हेलो हेलो हेलो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट विद विजय। तो आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसे मैंने जनरल चैलेंज रखा था कि कुछ सुपर हीरोज़ का ड्राइंग बनाऊंगा। तो सुपर हीरोज़ का तो ड्राइंग मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं वो चैलेंज मैं कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो मेरा फर्स्ट ड्राइंग जो हो चुका है, क्या बोलते हैं आपका, पेंसिल कलर से, तो मैंने उसमें यूज़ किया है डॉम्स का, जो मुझे दुकान में तो 12 सेट्स का मिल गया, 48 सेट्स नहीं मिला, तो मैंने उसको ऑर्डर दिया है। तो एज मैंने थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा ड्राइंग, फिर भी देख लीजिए, मतलब कि इसको मैं क्या बोलूँ, आउट ऑफ 10 तो मैं 100 रेटिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा कलर है। अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर 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 ये कलर यूज़ करें अगर आप सीखना चाहते हो। तो देखते हैं, अभी तो ये स्पाइडरमैन का बनाया है, तो आगे भी मैं आपको मतलब ये बना के दिखाते रहूँगा कि रियलिस्टिक बनता है कि नहीं बनता है। तो एज मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का देखा था कि नॉर्मल डॉम्स कलर यूज़ किया, तो बहुत ही बहुत अच्छा बना था। एज़ कम्पेयर टू आपका फेवर कास्टिंग का जो कलर्स आता है, नॉर्मल 12 सेट्स का कलर आता है आपका 1300 का, और ये नॉर्मल ये 12 सेट्स का कितना है, 50 रुपीज़ है। तो S50 और कहाँ 1400, तो डिफरेंस तो है ना। और ड्राइंग भी देख सकते हैं आप कैसा ड्राइंग बनता है। तो वही है कि आप सब आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। आप देखो, कलर सभी कलर अच्छे होते हैं, कोई भी कलर ख़राब नहीं होता। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। अगर आप अच्छे से यूज़ करना जानते हो, वही है ना, मतलब कि टैलेंट मैटर्स क्या। अगर आपके पास टैलेंट हो तो आप किसी चीज़ से भी कुछ भी बना सकते हो। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, सिर्फ दिखावा के लिए ये वो वगैरह वगैरह, अगर नहीं, वो सब बहुत, हाँ अच्छा है, मतलब जो हाई लेवल का आर्टिस्ट है वो सब यूज़ करते हैं और उनका ड्राइंग्स भी उतना ही अच्छा होता है, और पेपर क्वालिटी भी मायने रखता है। तो ऐसे मतलब कि मैंने तो नॉर्मल ये ब्रूस्टर का यूज़ किया है, A4 साइज़ पेपर, और नॉर्मल डॉम्स कलर यूज़ किया है। तो आप भी डॉम्स कलर यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो अगर आप कन्फ्यूज़न में हो कि आपको कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बिना कुछ सोचे समझे ये कलर यूज़ करना। तो यही था मेरा मतलब कि डॉम्स के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे, मतलब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था डॉम्स को लेकर, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। तो मेरा ये वाला भी ड्राइंग मेरा फर्स्ट मतलब कि पेंसिल ड्राइंग है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर करना चाहते हो कोई भी ड्राइंग, तो डॉम्स को लेकर करो, और अगर अच्छा बनता है या नहीं बनता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिएगा। Thank you.
आपने तो देख ही लिया होगा जो मैंने स्कॉलरशिप बनाया था, कैसा बना है। तो एज़ फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उतना भी अच्छा परफेक्ट नहीं दे पाया। तो पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि बिना सोचे समझे ये कलर ज़रूर यूज़ करना अगर आप बिगिनर्स हो तो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। तो और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ। रुक जाओ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, बाय बाय।